हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और कैरबियन मैक्स 60 लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा आपको ग्रैंड शाइमन वर्सेज बोकारटन ट्रेवर्स के बीच में देखो भाई ये मैच हम लोग के लिए बहुत खास रहने वाला है ये सीरीज़ हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है और इस मैच में भी हम लोग अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके अच्छा तगड़ीबीन लेकर के जाएंगे आपको इस सीरीज पर अच्छा... फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का यहाँ पर बैक टू बैक अच्छा खासा विनिंग आ रही है ठीक है ना यहां पर हम आपको बताएंगे कि आज के मैच में आपको टीम कैसे बनाना है और किस तरह से हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कम्बिनेशन करेंगे जिससे अपना रैंक बहुत अच्छा आ सके और हम लोग अच्छा खासा फिनिश कर सके ठीक है ना सारा कुछ हम लोग यहां पर जानेंगे भाई आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना यहां पर हम आपको टीम का कंबिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन और गेम चेंजर खिलाड़ी के बारे में बताएंगे और सारा का सारा अपना टीम अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे देखो उससे पहले आपको क्या करना है अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर करो भाई टेलीग्राम पे आ जाओ क्योंकि टेलीग्राम पे जितने बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे अच्छे खासे प्रॉफिट से करके जा रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको बैक टू बैक क्लीन स्वीप वाली टीम दी जा रही है और भाई आपको कैसे आना है ना आप जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जैसे ही आप यहां पर लिंक पर क्लिक करेंगे ना आप आ जाएंगे टेलीग्राम पर और टेलीग्राम पर जैसे ही जुड़ते हैं भाई तो यहां पर आपको फ्री में हम टीम प्रोवाइड करते हैं कोई भी यहाँ पर आपसे चार्जेस नहीं ले जाते हैं और यहाँ पर टीम जो दी जाती है बैक टू तो बैक क्लीन स्वीप वाली जिससे हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करके जा सके और अच्छा तगड़ी वाली टीम लेकर के जा सके ठीक है ना भाई यहाँ पर हम आपको ऐसे बैक टू तो बैक लॉजिकल टीम देते हैं जो आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे सके तो आपको क्या करना है आपको आना है टेलीग्राम पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम पर आ जाओ चलो बात करते हैं अब आज के मैच के बारे में जो खेला जाएगा जी सी जे वर्सेज के बीच में सबसे पहले हम लोग का फोकस होगा आज के मैच में कि आज के मैच में हम लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन लॉजिकली सबसे कौन सा खिलाड़ी होगा और वो किस खिलाड़ी को अपनी टीम में हम लोग कैप्टन के पर्पज से इस्तेमाल करेंगे जो अपने लिए अच्छा रैंक लेकर दे और अच्छा उनका परफॉर्म भी हो और वो अच्छा बॉलिंग या फिर बैटिंग करे जिससे अपना टीम अच्छा बन सके और फिर हम लोग बात करेंगे कि आज के मैच का हेड टू हेड रिकॉर्ड का क्या है उसके बेस पर टीम बनाएंगे और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग के लिए कुछ एनालिसिस देखेंगे और फिर पीच रिपोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है पीच रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसके बारे में हम लोग पता कर लेंगे बैट्समैन को सपोर्ट करेगा या फिर बॉलर को सपोर्ट करेगा और फिर अपना टीम जो बनेगा वो

पीच आपको बॉलिंग रहेगा गुड फॉर पेसर के लिए काम करेगा और बारिश होने की संभावना इस बीच पर पे देखने को मिल सकती है यहाँ पर टोटल विकेट जो है ना भाई वहाँ पर सतासी गिरे हुए हैं और उनचालीस आपको विकेट मिले हुए हैं और देखो कि भाई पेसर को ज़्यादातर विकेट मिले हुए हैं अब हेट टू हेट का बात करें दो मैच खेले गए हैं जिसमें से जेड जी एक मैच जीते हुए हैं और बी जो है यहाँ पर कोई मैच नहीं जीती हुई और मैच ये एक मैच आपको ड्रॉ हो गया था मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला था अब हम लोग के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होते रहता है कि कोई तो ऐसा खिलाड़ी होगा पाँच से छः खिलाड़ी जिनका परफॉर्म बहुत तगड़ा रहेगा और वो फिक्स खिलाड़ी होगा तो वो

जो कि लॉजिकली अपने लिए परफेक्ट खिलाड़ी होने वाले अभी जो चार खिलाड़ी होगा ना भाई ये आज के मैच के ना बेस्ट पिक रहने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन हमने आपको ये खिलाड़ी को दे दिया इसे अपनी टीम में आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए और लॉजिकली बहुत परफेक्ट होने वाला है अब देखो बात करते हैं इनका परफॉर्म परफॉर्म का का तो का तो पिक देखोगे छह मैच खेले हुए हैं और एट्टी थ्री परसेंट ड्रीम टीम है आप इसे अपनी टीम में ना कैप्टन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बीसी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग एस राजा का तो एस राजा यहां पर छह मैच खेले हुए हैं और हंड्रेड परसेंट ड्रीम टीम है हालांकि

कैप्टन कैप्टन वाइस कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जरा सा देख लें तो पांच छे का हम लोग कम्बिशन यूज करेंगे जिसमें विकेट कीपर के तौर पर एक विकेट कीपर बी और बैटर में तीन बैटर डेविड वार्न ए हेल्थ और जे वुड ऑलराउंडर में चार ऑलराउंडर लेकर चलेंगे सी डी ग्रेडम एस राजा और बी वेस्टर और एस एम सी गिफिन टीम में होंगे बॉलर में तीन बॉलर यूज किया एलवन विक को जे लिटल को और जे जारविस को अब देखो भाई कैप्टन फिलहाल हमने यहाँ पर बी वेस्टर को और वाइस कैप्टन न सी डी ग्रैंडम के रखा हुआ है इसके जगह पर हम लोग एस राजा की तरफ जाएंगे दूसरे टीम में डेविड वार्नर की तरफ या फिर हम लोग बी डंक की तरफ भी जाएंगे या फिर एलवन विक की तरफ भी जाएंगे जिसके भी तरफ जाएंगे वो हम आपको लाइनअप के समय में ना टेलीग्राम पर बता देंगे आपको क्या करना है आपको आना है टेलीग्राम पर टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई लोग टेलीग्राम पर जाओ फटाफट और वहां पर हम लोग तावर तौर प्रॉफिट वाली टीम बना के ले जाएंगे और अच्छा खासा विन करेंगे ठीक है ना तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम पर आ जाइए फटाफट से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद